आज तो सुबह सब लोग ही नहीं हुआ क्योंकि सुबह से मैं रिहर्सल कर रहा हूँ और सब नींद में ही है आधी पूरी। पर आज शाम को जो है हार्ड कर देंगे सीन एकदम। तो हम खा रहे हैं नूडल्स और साथ में फ्रूट पंच। पता नहीं है भी या नहीं है फ्रूट पंच। बिना प्लेट के खा ही नहीं जा सकता क्योंकि जरा सा भी लिड खोलते ही ये बाहर निकल रहा सारा। ये देख जरा सी, ये देख, ये देख। बड़े भाई मस्ती में है पूरी। यार नाना भी तो हम तो बहुत लेट हैं। तुम्हें पता काफी लाइन आएगा पड़ेगा, इतना कम टाइम बच गया। बाल्टी में पानी कर रील शूट कर गया। मैं तो ना गा रहा मस्ती टाइम इंदौर में ठीक है। घंटे बाद शो स्टार्ट है हमारा और यहाँ मस्ती चल रही। बोलो भाई तैयार। फिर से बंद घड़ी पहनते हुए लेकिन समय खुद से ही नहीं चला रखा है। इतना टाइम जोन बना रहे तेरे हिसाब से भी 12 बज रहे हो जिसमें। भाई आज भी थोड़े से लेट हो गए, बस हम निकलते हैं तुरंत। आधे घंटे में शो स्टार्ट है, आधे घंटे में जाने मिलेगा। आज सारे अरेंजमेंट दीप भाई नहीं कर पाए। मैंने तो कुछ नहीं करवाया। सुबह से दीप भाई को फोन पे मिलाया जा रहा। खाना भिजवा दो भाई, माइक दिलवा दो। कैसा था भैया खाना? आई वुड से रचित क्या रिव्यू दोगे? यार वो तो अच्छे थे छोले और सेम खाओगे भी सेम। इंदौर में सेम बहुत फेमस है ना? बहुत ज्यादा। क्या चीज है सेऊ? बनती किस चीज से है? अरे वो सेऊ नहीं होती क्या? वो नमकीन थी हमारे यहाँ भी तो। अच्छा अच्छा अच्छा, वो पोहे वोहे पे डाल दे। तो वही कहीं भी जाता हूँ ना कि ये लो भाई साहब। वो एक रेवड़ी नहीं मिली थी यार जब घर आया था एक बार लाया भी तो था। तो इधर की रतलाम उज्जैन इंदौर की छाप है यार वो चीज। तो क्या एक्सपेक्टेड है आज के स्टैंड अप से? इंदौर से मजा यार। कैसी है भाई इंदौर की पब्लिक का रिस्पांस? मैंने काफी लोग सुना है तकलीफ है बोले तो तकलीफ। इंदौर की पब्लिक स्टैंड अप करने जा रहे हैं लक्ष्य भाई इंदौर में। अपने आप में ये वो है ना, क्या बोलते की गई इसमें अचीवमेंट है अपने आप में बड़ी है कि हो भी पाएगा पूरा। तो अभी डिसाइड हुआ, बाकी सब लोग तो जाएंगे गाड़ी से और मैं और दीप चलेंगे उसकी स्कूटी से। स्कूटी होगी भाई, होगी। कहाँ ले गया यार, चक्कर आ गया। लेकिन लोग साले इतने बदतमीज हैं, ये भी गंदा किया हुआ यार। होटल से क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? मुझे टाइगर भाई का फोन आया 3:30 बजे के आसपास आज दोपहर ना। हाँ हेलो क्या लाइन? मैं कुछ भी ना लाऊं। कह रहे नहीं भाई क्या लाइन? लाइन कौन सी लाइन? कह रहे अरे क्या सीन है, कब चलना है? यहाँ पे स्लैंग है ना। क्या लाइन मतलब? क्या लाइन मतलब क्या आगे का क्या लाइन? कोई क्या लाइन को कुछ नहीं बताया गया। तो भाई 5 मिनट में हमारा शो स्टार्ट होने वाला, उससे पहले वहीं पे देख रहे हैं सारे भाई बैठ के। हांडी लगा रखी है। तुझे क्या हो गया? कुछ नहीं, बैठा ऐसे ही। आज सबसे बढ़िया तो ये है, आज धूप नहीं निकली। हाँ। तो एकदम बादल और क्लियर आसमान है एकदम। आज शाम में किसी रूफटॉप रेस्टोरेंट पे बैठेंगे जाके। शो के बाद बैक स्टेज आए थे तो अभी मुझे रियलाइज हुआ कि हम रेडिएंट इन की किचन में हैं। पूरा कर दो। लेकिन अमिताभ बच्चन का पाल लग रहा है। तो अभी रचित भाई का फोटो सेशन स्टार्ट होने वाला है। रचित की वैनिटी मैन तैयार है। तो फोटो सेशन ऑलमोस्ट ओवर हो गया और मैंने और रेना बहुत ट्राई करा ट्राईपॉड लगा के भी एक टाइम एप्स लेने का, लेकिन ये है कि भीड़ में कभी इस पर हाथ पैर लग जाए तो वो पूरा डिस्टर्ब हो जा रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, इंदौर का क्राउड तो बहुत प्यारा था यार। बाकी लक्ष्य रिव्यू देगा क्राउड का। इंदौर की पब्लिक का रिव्यू क्या है तेरा? बढ़िया था यार, मतलब बहुत अच्छा पब्लिक ना ऐसे अपग्रेड ही होती जा रही जिस शहर में गए। गुड़गांव की अब तक नोएडा की सबसे खराब बता रहा है। नहीं 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 अच्छी मिक्स है, वहाँ मिक्स है ना। नोएडा की कोई अपनी पब्लिक तो है नहीं, सब इधर उधर गए हैं। चले गाइस कुछ खाने चले। सुबह से हम क्या कर रहे हैं, हमारे में से ना कोई भी बात करता रहे और तीसरा बंदा रैंडमली कैमरा खोल दे, ये कैसी बात आने वाली? कोई भी इशारे करते आने वाला आज तक। अरे
क्या हो गया भाई, अभी फोटो अभी लोगे क्या? बिल्कुल सबर ही नहीं क्या भाई? दे दो यार, काम खत्म होगा। बता यार, तुझे काम मान रहा है? अरे भूल जा फिर, सब कुछ भूल जाएगा, इस पर भूल जाएगा। इस टाइम 1, 2, 3, 4, 5 कंटेंट क्रिएटर क्लाउड के चक्कर में है। यार कोई ऐसा दोस्त क्यों नहीं है जिस साले को कुछ लेना देना ना इंटरनेट से? तो सी मतलब हम सारे क्या हो गए, अपनी अपनी वीडियो का पैसा कमाने का देखते हैं, एक दूसरे के ऊपर पैर रख के। हमें कोई ऐसा चाहिए जो सेल्फलेस हो, जो और मसाज अच्छी दे सके। इसे कोई ऐसे अंकल चाहिए टिशू मसाज में हाथ सेट होने का। आज तो मैं कहीं कमर करड़ करवाने का मन कर रहा था। लॉक के बाद प्रॉपर एकदम रिलैक्सेशन। वो तुम जो स्पा बता रहे थे वो विजिट करते रहो, वो कहाँ है? जो तुम ये कहो कई बार भागा भी वहां से नंगा कपड़े उठा के। बहुत बढ़िया, मैं भी भाई आप तो लक्ष्य भाई हो। मैं तो दोस्तों शीप बहुत अच्छा जानवर होता है, बट उसकी खाल फटते ही वो दोस्तों शीप बहुत अच्छा जानवर होता है, लेकिन मोदी जी के घर में 2 शीप पाए गए। बीजेपी को कहा जाने लगा कि बीजेपी के लिए शीप बायस्ड भी हो सकते हैं। यहीं पे मैं बताना चाहूंगा फुद्दू एफएम के बारे में। शीप्स के बारे में आप कहानी सुनना चाहते हैं तो आप फुद्दू एफएम पे जा सकते हैं, आपको शीप की बाबा सुनाई देगी। वहां पे एक स्टोरी है बहुत अच्छी, बाबा बाबा ब्लैक शीप। तो आज व्लॉगिंग की कमान थोड़ी हमारे हाथ में आ जाएगी, क्योंकि लक्ष्य मसाज लेने लक्ष्य भी जो ऑर्गेनाइजर है हमारे, उनके साथ रेस्टोरेंट तक जा रहा, हम भी पीछे पीछे दो कैब में जाना पड़ेगा क्योंकि एक्सेल भी कर ले इंसान, लेकिन एक्सेल में प्रॉब्लम ये है अच्छे नहीं लगते, यूं बैठ के जाएंगे अच्छे लगेंगे। सबसे बड़ी बात सामाजिक, जो पीछे की 2 सीट रहे ना, जिसका ओहदा सबसे कम हो वो बैठे हैं उनपे, तो जो भी बैठता उसकी ईगो हर्ट होती है। ज्यादा दूर नहीं है, ऑटो से भी जा सके। और मजे की बात ऐसा भी लगे उन कैब में बैठ के अर्टिग आ गई, ऐसा लगेगा जैसे नोएडा से गुड़गांव नौकरी करने जा रहे हैं रात। और 2 लोगों की मतलब लेग रूम बहुत खराब रहे उसमें, तो ऐसे पैर नहीं आते उसमें। तो इंदौर यार काफी अच्छा शहर है, हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए बिल्कुल भी, इतनी दूर। कैसा वो जॉइंट व्हील चालू हुआ था वहाँ, उधर उधर नुमाइश भी लग रही, मेला भर रहा है ना वहीं से दिख रहा था होटल से। पता नहीं मेला है या फिर वो परमानेंट अम्यूजमेंट तो पार्क भी हो सके, लेकिन डेफिनेटली यार इधर कोई यार रिश्तेदार रहता नहीं, सम्राट भाई है वो भी थोड़ा दूर है इंदौर से, तो स्पेसिफिकली इंदौर में तो कोई खास ऐसा है नहीं अभी, होता या होती तो जरूर मैं कहा जा सके रिश्तेदारों को, वहाँ कहाँ पड़े हो, इधर आके शिफ्ट हो ना, इस शहर में गंदगी नहीं आवे तो ठीक है। तो कैब वाले भैया ने तो कैब कैंसिल कर दी, अब ऑटो करना पड़ेगा। वो ये सन्नी देओल वाला मीटर है तो वो बिग ब्रदर में रह जाओ। कोठा वाइज है। हाँ मैं कह रहा अभी हम C21 मॉल जा रहे हैं ना, तो हम लोग C21 मॉल पहुंच गए और लक्ष्य लोग हमसे पहले निकले हुए थे, लेकिन वो अब तक नहीं पहुंचे, कहाँ है वो? फोन करा दें, कह रहे CNG के लाइन में फंसे पड़े, इसीलिए अच्छा। तो गरीबी बेस्ट है दोस्तों। ऑटो में आ गए, पैसे आपके पास नहीं होंगे, कैब नहीं कर पाओगे। बार बार कैंसिल होगी इसीलिए ऑटो से आए, आप ऑटो ना बन जाए। पीले और हरे रंग का ऑटो मिलेगा आपको। लेकिन मैंने देखा जिस शहर में पीले और हरे रंग का ऑटो है हाँ। वहाँ है तरक्की, अपने शहर में नहीं है, क्यों है? ई रिक्शा भागती भी रहे। अभी हम C21 मॉल आए थे और यहाँ पे अभी हमें कुछ मिला नहीं बैठने लायक जगह, ये पीछे टावर है, इसमें सोच रहे हैं इसमें चले जाए, नहीं तो फिर इसके बाद है हमारे पीछे रोड क्रॉस करके, यहाँ पे टावर रोड क्रॉस करना मुझे अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क लग रहा है, यहाँ से कर लेते हैं इंदौर में भाग के। अरे हाँ यहाँ की भी तो बढ़िया बात है कि इनकी एक गवर्नमेंट की बस बीच में चलती है। मैकडी पे आने का खाने का प्लान बना और जो मांसाहारी लोग हैं वो KFC पे गए। यही है बस, हम तो जी घास फूस पे जीने वाले आदमी, मैं ढाका तो वेजिटेरियंस की इज्जत नहीं है। इधर को सामने मुर्गा काट लिया, फार्म हाउस में अच्छा पक पक कर रहा था बेचारा, इधर बन गया खाना आगे। हमने यहाँ का लोकल फूड ज्यादा ट्राई नहीं करा, एक थाली तो हमने ली थी, उसमें पता नहीं सब्जियाँ जो थी उनका नाम ही मुझे पता नहीं था, पर वो काफी ज्यादा टेस्टी थी। और अब कल सुबह हम निकल ही जाएंगे, तो इस बार तो लोकल फूड ट्राई करने का मौका लगा नहीं, लेकिन कभी फिर आएंगे। मेरा मन तो दोबारा भी आने का है, कभी स्टैंड अप टूर में ही मुझे लगे आना होगा, लेकिन अगली बार मैं लोकल फूड जरूर ट्राई करूंगा यहाँ का। हमारा प्लान था कि चल के एक बार क्लब चल ले रहे हैं, पार्टी कर ले रहे हैं सब लोग, लेकिन उससे पहले ही हमने आधी आधी किलो बर्गर और बिरयानी खा ली। और वैसे भी मैं अब नॉन वेज से वेज बनता जा रहा हूँ, अब धीरे धीरे मैं छोड़ता ही जा रहा हूँ। KFC पे वेज खाया तुमने? हाँ मैं वेज खाया, मैं वो बिरयानी खाई मैंने, क्योंकि मन था यार थोड़ा स्पाइसी खाने का ना, बिल्कुल मन नहीं था कि खाली बर्गर खाऊं, बर्गर में होता फिर चिकन फिंगर वो खाना नहीं था, तो इसलिए खाली चावल खा लिया। KFC पे वेज सीते हैं शराब पीते हैं। चलो भाई
अब दो दो लीटर शराब पीने चलते हैं। तो काफी देर पैर तोड़ाने के बाद हमारी लोकेशन फाइनली डिसाइड हुई और ये है सो एंड सो रूफ टॉप कैफे और अच्छा भी है यार। लाइक इस वक्त भी सड़कों पे कितना जाम है यार, 11:30 बज रहे रात के। बड़ी मुश्किल से एक अच्छी जगह मिली है, बड़ी मुश्किल से 9:30 बजे के 1.5 घंटा बाद। मतलब ऐसी जगह मिलनी मुश्किल थी जहाँ पे बहुत लाउड म्यूजिक ना हो और थोड़ी लाइवली भी हो, थोड़ी खुली खुली हो, तो वो यही जगह है। मेरे पे फोन आया था भी एयरपोर्ट से, यूं कह रहे थे 9:30 बजे पहुंच जाना। अच्छा 9:30 बजे पहुंच रहा है क्या? आजकल ये बॉलीवुड वाले थीम वाले कैफे काफी चल रहे हैं भाई, हम भी अपने बैकग्राउंड में यूज कर सकते हैं भाई ऐसा कुछ। अबे बड़े भाई कहाँ खड़े हैं यार लेडीज रूम के बाहर? चले भाई, ये वही तो बंदूक है जिसमें से हर गन शॉट में से एक ही आवाज आ गई। इस गन में अनलिमिटेड गोलियां होती थी जब लड़ाई बजती थी। ये तो वो ये है प्रेम चोपड़ा का। अच्छा ये है क्या? हां बस प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। इसका डायलॉग था ना जिनके घर पत्थर के होते हैं वो दूसरे घर में पत्थर नहीं मारते, पुराना डायलॉग था। नए वाले गोल वाले मारा वो बेसमेंट में कपड़े बदलते हैं। मिथुन ने मारा था शायद। ये तो अपने वे हैं गुलशन ग्रोवर, ये फिर अपने पापा रंजीत, फिर गब्बर सिंह, अमरीश पुरी, ये है प्राण, ये था ना, ये भी देखी देखी सी है, ये नेगेटिव रोल करती थी बहुत ज्यादा, ये अमिताभ बच्चन के टाइम ही है। तो फाइनली अब घर जाते हुए और ऑटो का बजट डिसाइड हुआ 60 रुपए, 60 से ऊपर जो ऑटो जाएगा उसे हम कर देंगे रिजेक्ट। कारें खड़ी रहती ना रात में, मतलब पूरी सिटी में चलता है फिर साफ सफाई रात में। ये तो रूट बाय रूट है ना, जैसे 150 लोग यहाँ से लेके विजयनगर तक लगाएंगे। अच्छा विजयनगर से 150 लोग इस साइड, 150 लोग इस साइड, 150 लोग इस साइड, बाकी के लोग BRTS पे। अच्छी बात है यार, ये तो बहुत साफ सफाई बहुत है। बस ऐसी लाइट कमरे में नहीं आगे थी। अरे वाह भाई 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 भाई, अरे वो तो 2 स्विच भी बंद है। सिटी के बारे में बताओ यार हमें थोड़ा और। अब नहीं यार वो तो अच्छा, ये जो बीच वाली लेन है ये बसेस के लिए या क्या है? बस के लिए ना वो। ये VIP वालों के लिए भी है? एम्बुलेंस चली जाए या फिर बसेस चले। अच्छा अच्छा बड़े भाई, और कौन सी सिटी में देखी है बीच वाली लेन? मैंने भी नहीं, मतलब कुछ एग्जांपल सेट कर रखा है इन दौड़ने में से। ये बात तो है, मैं सेटल हो रहा है यहीं आके इसी शहर में। कि ये